उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजकीय बाल गृह की चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ठंड से बच्चों को निमोनिया हुआ, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। फिलहाल डीपीओ ने मामले मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं। हजरतगंज के प्राग नारायण रोड स्थित राजकीय बाल गृह में सुल्तानपुर में लावारिस मिली दो बच्चों की आपको बता दें मौत हो गई, जिसको लेकर साफ तौर पर सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि जो बच्चे थे 10-12 दिन से लखनऊ अस्पताल में भर्ती थे, सिविल अस्पताल में थे, उसके बाद केजीएमयू गए, तो कुछ इन्फेक्शन इश्यूज भी थे। वर्तमान में जो एक बच्ची है, डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पे तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज सीरियर बताया गया है। मैम ये बताया गया कि एक कमरे आपका सारा समाज का, तो थोड़े कॉम्प्रोमाइज केसेस थे ये वाला इशू का। काफी समय तक उन्हें रखा गया अस्पताल में, उसके बाद आगे बैठी है। लोग स्वयं जाके धीरे धीरे करते जाके एक व्यक्ति देख सकते हैं अंदर। ज्यादा भीड़ मत लगाइएगा तो थोड़ा सा बच्चों को डिस्टर्ब होगा। और वर्तमान में थोड़ी और बेहतर व्यवस्था करने के लिए मैंने अंदर निर्देश दिए हैं। डायरेक्टर मैडम है और डॉक्टर साहब है, हमारे PMS डॉक्टर साहब है। आप लोगों को और आप लोग जो इसमें किसी की भी कोई भी लापरवाही होगी तो उसमें कर सकता है। एक बच्चे को दिनांक 13/2/2023 को बेड नंबर 4 में पीकू में एडमिट किया गया था। बच्चे को वॉमिटिंग हो रही थी, लूज मोशन हो रहा था और दूध नहीं पी रहा था एक दिन से। और बच्चे का वजन जो है 2.2 केजी है, जो कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में आता है। बच्चा कमजोर है और बच्चे को सेप्टिसीमिया थी, बाकी जांच में सेप्टिसीमिया वगैरह आई है और पूरे शरीर उसका सफ़ेद है। तो इसकी जो डायग्नोसिस बनाई गई है वो एल्बिनिज्म विद सेप्टिसीमिया विद PM ग्रेड। सर अभी बच्चे की हालत कैसी है? अब बच्चा पहले से बेहतर है, अब वो दूध पी पा रहा है, कल से थोड़ा थोड़ा दूध पी रहा है वो, और अब उसकी एक्टिविटी पहले से बेटर है। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजकीय बाल गृह लखनऊ में, और लखनऊ के ये जो राजकीय बाल गृह है इसमें सबसे पहले JJAct की धारा 21 के अंतर्गत बच्चों की पहचान उजागर करने पर रोक है और बिना उच्चाधिकारियों के पत्रकार मीडिया कर्मी इत्यादि लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं, चार बच्चियों की यहाँ पर मौत हो गई। मौत किस कारण से हुई है यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कोई इसे ठंड लगने की वजह से मौत बता रहा है, तो वहीं कोई कह रहा है कि समुचित व्यवस्था न होने के कारण इनकी मौत हुई, जबकि यहाँ के जो जिला प्रदूषण अधिकारी हैं उनसे जब मैंने बातचीत की, उसका अंश मेरे पास इस समय साक्ष्य के रूप में मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे चारों लाए गए थे, जो चारों बच्चियाँ सुल्तानपुर से लाई गई थी लावारिस बच्चियाँ, उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी, जिनका सिविल हॉस्पिटल और KGMU में इलाज चल रहा था। चार बच्चियों की 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच मौत हो गई है और पांचवी बच्ची जो है वो सिविल हॉस्पिटल में अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस पर मैं चाहूँगा कि गौर करके दिखाएँ, यह राजकीय बाल गृह है शिशु लखनऊ और ये महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। मैं लगातार जिला प्रोबेशन अधिकारी से बातचीत करने का प्रयास किया तो मेरी बात सिर्फ उनसे हो पाई। उसके बाद मैं आपके सामने ही अब यहाँ की जो अधीक्षिका हैं उनका नंबर डायल करूँगा और आप देखिए कि किस तरह से फ़ोन की घंटी जाने के बावजूद वो फ़ोन नहीं उठा रही। उनका नाम सरमीत कौर ब्रोका बताया जा रहा है। देखिए ये उनका नंबर है, मैं साफ तौर पर आपको दिखाऊंगा, ये उनका नंबर है और ये बिल जा रही है। मैंने वही नंबर डायल किया है 7518024109। सरनीत कौर ब्रोका जी को आप देखेंगे, मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, ये साफ तौर पर फिर चाहूँगा नंबर दिखाएं, ये मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ और कई बार मैंने उनको फ़ोन लगाया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा घटना की जानकारी नहीं दे रही। एक वीडियो उनका सामने आया जिसमें वो खुद कहती हुई नजर आ रही हैं कि हाँ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त कराया जाएगा। तो व्यवस्थाएं तभी दुरुस्त कराई जाती हैं जब व्यवस्थाएं गड़बड़ रहती हैं।
हालांकि सिविल के जो डॉक्टर हैं उनकी जो वाइट मास्क है वो निमोनिया और ठंड लगने की वजह से मौत बता रहे हैं। तो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं और जो प्रोबेशन अधिकारी हैं उनका कहना है कि बच्चे पहले से बीमार थे। और बाकी जो बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस वक्त मीटिंग में हूँ। अधीक्षिका का फोन मैंने आपके सामने लगाया, डायरेक्टर का, उनका फोन लग नहीं रहा है और अब उनका फोन आ रहा है। मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि क्या पूरा मामला है। हेलो जी, अधीक्षिका महोदय से मेरी बात हो रही है? अच्छा, मुझे उनसे बात करनी थी, एक वाइट करनी थी मुझे बच्चों की मौत के मामले में। अच्छा, फोन आप ही के पास रहता है क्या? नहीं, ये मेरा नंबर है। तो नहीं, ये जो बोर्ड में नंबर दर्शाया गया है तो इसमें अधीक्षिका के नंबर के आगे ये नंबर दर्शाया गया है। अच्छा, नंबर गलत लिख दिया गया। तो देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ वास्तविकता, इसको आप साफ तौर पर देखें कि अधीक्षिका के आगे जो नंबर लिखा गया है वो कह रहे हैं कि मैं डीपीओ बोल रहा हूँ, और जब मैं कह रहा हूँ कि अधीक्षिका के नंबर के आगे नंबर लिखा गया तो कह रहे हैं गलती से लिख दिया गया है। अब शिशु स्वागत केंद्र जो ये बोर्ड है इसमें जो नंबर है इसमें भी आप साफ तौर पर अभी सुन रहे हैं कि किस तरह से वो डीपीओ महोदय कह रहे हैं कि वो मुख्यालय में है और पहले तो नंबर स्विच ऑफ आया और फिर बताया कि नंबर गलत लिख दिया गया है। अगर मान लो किसी को जरूरत पड़ जाए और उसे फोन मिलाए तो अधीक्षिका के बजाय डीपीओ फोन उठाएंगे और कह रहे हैं कि गलत लिख चुका है। अगर मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे मीडिया से दूर रखा जाए तो फिर अधिकारी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने डॉक्टर साहब को यहाँ रोकने का प्रयास किया तो यहाँ से जाते हुए दिखे, हालांकि वो रिपोर्ट नहीं हो पाया। मामला बहुत पेचीदा है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रोबेशन अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी जो साफ तौर पर यहाँ देखेंगे वो कह रहे हैं कि इस वक्त तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। और उनका कहना है कि मैं मैनुअली आपको बता रहा हूँ कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी। दोनों नंबर विभागीय हैं, दोनों नंबर सरकारी हैं, और जिस पर मेरी बात हुई है आप देखेंगे कि वो जो 019 का नंबर है जिला प्रोबेशन अधिकारी का, और जो 4109 का नंबर है वो अधीक्षिका का है। तो अभी मेरे पास 4109 से कॉल आई थी, उन्होंने कहा गलती से यहाँ पर ये छप गया है और वो भाई साहब मीटिंग में है। लगातार मैं बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई बात नहीं करने को तैयार है, और जो वहाँ पर जो अधीक्षिका है, जो डायरेक्टर हैं, वो मुख्यालय में है, उनकी एक बाइक मेरे पास है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराऊंगी। मामला जो भी हो, फिलहाल मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच का आदेश दे दिया गया। देखने वाली बात यह होगी कि जाँच के बाद क्या सामने आता है या फिर जाँच अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।